लोगों को दोस्तों हमेशा से शिकायत होती है कि सोलर पैनल काम नहीं करता है। उसका सबसे बड़ा कारण दोस्तों ये है, ये जो आप जो डस्ट देख रहे हो, तो कितने डस्ट बैठे हुए हैं सोलर पैनल पर। अब ये कभी भी काम नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि जब तक सूर्य की रोशनी डायरेक्ट अगर सोलर पैनल के ऊपर नहीं पड़ेंगे, इसके प्लेट के ऊपर, तो ये जनरेट करेगा नहीं। और इसके बीच में एक धूल की लेयर आई हुई है, तो ये काम तो करेगा नहीं। तो इसको क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। क्लीन रखने के लिए आप H2SO4 ले सकते हैं, यानी बैटरी का एसिड और पानी। बैटरी का एसिड मैंने इसलिए बोला ताकि अगर सोलर पे ज़्यादा अगर डस्ट जमी हुई है, फिर उसके सेल के ऊपर चिपकी हुई है डस्ट ज़्यादा, तो उसे आप लगा कर साफ़ कर सकते हैं। नहीं तो आप पानी डालें, अभी जैसे जिस तरह से अभी ये साफ़ कर रहे हैं हम, इसको पानी डालते हुए पानी डालकर देखें, अगर ये साफ़ हो जाता है तो ठीक है। तो अभी पहले इसे साफ़ कर लेते हैं। अभी दोस्तों ये साफ़ हो जा रहा है। साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है, अगर आप साफ़ नहीं रखते हो तो उतना करंट हम लोग को मिलेगा नहीं, बैटरी चार्ज नहीं होगा। सोलर चार्ज कंट्रोलर भी है, वो भी प्रॉपर काम नहीं करेगा। उसको लगेगा कि करंट आ नहीं रहा है, तो वो जो है दोस्तों वो कट ऑफ नहीं करेगा इन द डे टाइम, जब आपका सोलर जो है दोस्तों वो प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि उसको करंट ही नहीं मिल रहा है उतना जितना करंट मिलना चाहिए, क्योंकि डस्ट के चलते। तो ये दोनों पैनल को मैं अभी साफ़ कर रहा हूँ। ये पैनल मेरा साफ़ हो चुका है, इस पर ज़्यादा डस्ट नहीं है। अगर ज़्यादा डस्ट होगा दोस्तों तो आप बैटरी का एसिड ले सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, उसे आप कपड़े में डुबो कर इजिली हल्का हल्का सोलर पैनल के ऊपर रब कर दें। होगा क्या है कि जो भी डस्ट है ना दोस्तों वो फूल जाएंगे, क्योंकि एसिड बहुत तगड़ा होता है वो। और ये चीज़ सोलर पैनल कभी भी साफ़ करें दोस्तों तो वो दिन के समय में साफ़ करें, यानी सुबह में कोशिश करें साफ़ करें, या फिर शाम को। क्यों? क्योंकि अगर आप दोपहर में साफ़ करते हो तो उस समय सेल जो शीशा है वो बहुत ही गर्म होता है, वो जब आप साफ़ करोगे तो वो क्या होगा दोस्तों, वो चटक जाएगा, यानी उस पर क्रैक आने का चांसेस रहते हैं। तो कोशिश करें जब कभी भी साफ़ करें सोलर पैनल तो सुबह के टाइम या फिर शाम के समय, जब सूर्य रोशनी ना हो। अब ये साफ़ हो चुका है बिल्कुल। लोग हमेशा शिकायत करते हैं दोस्तों कि सोलर पैनल काम नहीं करता, हमारा करंट नहीं दे रहा। और हाँ, एक बार जरूर कनेक्शन को भी जरूर चेक कर लें कि कनेक्शन हमारा सही है या फिर नहीं है। कभी कभी क्या होता है उसमें भी क्रोजन लग जाते हैं, कार्बन हो जाते हैं, क्योंकि पानी उनी पड़ने के कारण। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो जानकारी अच्छी लगी दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर।